उत्तराखंड राज्य का स्वास्थ्य महकमा लापरवाही के मामले में एक बार फिर चर्चाओं में आ गया है। आलम यह है कि बड़े पैमाने पर रुड़की में चल रहे फर्जी हॉस्पिटल मरीजों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। इसका अंदाजा शायद स्वास्थ्य विभाग को भी नहीं है। ताज़ा मामला रुड़की के गुलाबनगर में एक फर्जी हॉस्पिटल का है, जहां पर एक डिलीवरी के बाद महिला की मौत से गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। हंगामा इतना बढ़ा कि मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों के साथ भी परिजनों की जमकर नोकझोंक हुई। सूचना मिलते ही मौके पर तहसील प्रशासन के साथ साथ हरिद्वार CMO डॉक्टर सरोज नेथानी को भी पहुंचना पड़ा। गुस्साए परिजन महिला का पोस्टमार्टम होने का भी विरोध कर रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस और परिजनों के बीच काफी नोकझोंक होती रही। हंगामा बढ़ता देख मौके से डॉक्टर और तमाम स्टाफ फरार हो गए। इसी बीच सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची CMO हरिद्वार ने पूरे हॉस्पिटल को सील कर दिया है। पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। पुलिस भी अपने तरीके से जांच में जुट गई है। दरअसल रामपुर गांव निवासी शबनम की डिलीवरी के बाद 3 दिन पहले हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, लेकिन इसी बीच निजी हॉस्पिटल में महिला की लगातार हालत बिगड़ती गई, जिसके बाद अचानक उसकी मौत हो गई। महिला की मौत के बाद उसके परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा काटना शुरू कर दिया, तो अस्पताल के तमाम डॉक्टर और प्रबंधन मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और महिला के शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने लगी, जिसका परिजनों ने कड़ा विरोध किया। हंगामे की सूचना पर तहसील प्रशासन के साथ CMO डॉक्टर सरोज नेथानी ने निजी हॉस्पिटल में सील लगाकर जांच बैठा दी है। फिलहाल अस्पताल प्रबंधन में हड़कंप मचा हुआ है। जी हमारे साथ ये हुआ, हमारी बहन ने उसके प्रेग्नेंट थी, वो उसके बड़े ऑपरेशन से उसके बच्चा हुआ था, तो वो बच्चा मर गया, उसके पेट में इन्फेक्शन हो गया था, तो डॉक्टर लोगों ने सबने जवाब दे रखा था उसको हम यहाँ लेकर आए। वो जब सबने बना कर दिया, बड़ी जगह लिख रहे थे वहाँ पे, हमारी हैसियत थी नहीं वहाँ पे ले जाने की, तो हम यहाँ पे लेकर आए, हमने यहाँ पे भर्ती करा दिया थे। अब यहाँ पे से उसको आज इंतकाल हो गया उनका, अभी पुलिस वाले हमें डेड बॉडी नहीं ले जाने दे रहे हैं। हॉस्पिटल का नाम नहीं है इसका, ये तो वैसे ही ये वैसे ही बच्चे पैदा करवाने के लिए वैसे ही हॉस्पिटल है, दाई का नर्सिंग होम वैसे ही फर्जी है। फर्जी है यहाँ पे जी, कोई डॉक्टर नहीं है यहाँ, फरार डॉक्टर का यहाँ पे जो फरार है वो यहाँ पे था। यहाँ पे महिला की डेथ हो गई है और कोई रजिस्टर्ड क्लिनिक नहीं है और ऐसे ही कमरे में लेटी है, तो उसका कोई ऑपरेशन शायद हुआ था। तब मैं देखने के लिए आई तो भी पता चला है कि इसका तीसरा बच्चा था, घर में उसको दर्द हुए थे, ये लोग ले गए थे प्राइवेट नर्सिंग होम में कहीं ले गए थे, वहाँ इन्होंने ही शायद जिद करके बोला कि नहीं आप ही ऑपरेशन करो, उन्होंने मना कर दिया था इनको लेने से। इनके मैंने कागज़ देखे तो खून इसको बहुत कम था, इसको 6 ग्राम खून था, 6 ग्राम में खून करना वैसे ही खुदकुशी के बराबर है। डॉक्टर साहब ने फिर भी दानी ये कह रहे हैं कि इन्होंने ज़बरदस्ती करी, तब डॉक्टर साहब ने जान बचा लेने की, कह रहे हैं इसकी बच्चेदानी फट चुकी थी, बच्चा अंदर मर चुका था। सिलसिला के इन्होंने सुबह 11 बजे ऑपरेशन हुआ और 2 बजे ये वहाँ से उठा के मरीज को ले, डॉक्टर साहब ने कहा आप यहाँ से आप ले जाओ, तब लेके ये इन्हीं डॉक्टर साहब के पास आए हैं। डॉक्टर साहब तो शायद है नहीं, ये पता नहीं क्या है, और इनके इन्होंने भी वहाँ उन्होंने 35,000 दिए, जिसमें से 15,000 ये वाले डॉक्टर साहब ने उनको मदद किया, और ये यहाँ आए इनको बॉटल खून शायद चढ़ाने की कोशिश की है, जो मदर टेरेसा हॉस्पिटल से आया है। अभी मदर टेरेसा हॉस्पिटल में भी पूछताछ करेंगे, हमने डेटा ले लिया कि आपने किसको खून इशू किया था, क्योंकि जब हम खून इशू करते हैं हम बताते हैं किस रजिस्टर्ड अस्पताल में ये खून जा रहा है, तो ये भी एक बहुत चिंता का विषय है कि खून ऐसे ही कहीं कैसे लग रहा है। ये तो एक कमरा है बस, कुछ नहीं है, ये एक पलंग लगी हुई है और एक ग्लूकोज की बोतल लटक रही है। आप स्वास्थ्य विभाग को लापरवाह कहो या जनता को जागरूक ना कहो, मीडिया का काम है जनता को जागरूक करना, हमारा जितना काम है अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, और आई थिंक गवर्नमेंट बार बार यही कहती है सरकारी अस्पताल में आओ, उल्टा आपको 1400 रुपये और 1000 रुपये मिलेंगे डिलीवरी के, जच्चा बच्चा का आना जाना रहना खाने का फ्री होगा, लेकिन क्यों लोग गुमराह होके जाते हैं ये उनको खुद सोचना पड़ेगा। तो हॉस्पिटल तो पता नहीं ये है कि नहीं, क्योंकि कहीं बोर्ड नहीं लगाया, पर क्योंकि जो कुछ काम हो रहा है तो इसको छोटे से हॉस्पिटल का नाम दे सकते हैं, अभी तो इसको सील कर देंगे तो ये तो हम लोग तो उसको क्रिमिनल उसमें भी डाल सकते हैं इसको, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि बिकॉज जो वहाँ पे लोग हैं वो कह रहे हैं कि नहीं डॉक्टर साहब ने तो हमारी मदद करी है और हमें तो कोई इनसे शिकायत नहीं है। मैडम आप क्या